आपन देखा तो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36। मैं हूं आपन संग प्रकाश। स्वागत है आपन के हमर कार्यक्रम हमर पहुनामा। हमर पहुना एक ऐसे कार्यक्रम जिमा हमन आपसो भेंट करवाथन ऐसे लोगन मनसो जिनमन अपन काम के जरिए, अपन कला के जरिए, अपन अभिनय से पूरा छत्तीसगढ़ में नाम कमाए हैं। तो आज के हमर पहुना के एक कार्यक्रम में हमर संग मौजूद है छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार, छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री, हमर संग मौजूद है सोनाली सहारे जी। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में। तो चर्चा ला हमन अब शुरू करबो, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म के देखैया हमर जो दर्शक हवा है और जितना भी आप मन के फैन है, तीन मन ये जानना चाहते कि सोनाली सहारे हा आखिर कैसे ये छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आई सा, कैसे शुरुआत हुई सा? शुरुआत मेरी ऐसी हुई कि मैं जब कॉलेज पढ़ती थी तो उस समय एक हमारे गांव के, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। और वहाँ पे बस कॉलेज जाते हुए मेरे पहचान के भैया है, तो उनके स्टूडियो में मैं जाती थी अक्सर। अच्छा। फोटो वोटो निकालने के लिए। हुँ. तो उन्होंने क्या है ना, वो उनके फ्रेंड है प्रणव भैया, मतलब प्रणव झा जी जो मेरे बी ए सेकेंड ईयर मेरी फिल्म है उनके डायरेक्टर हैं, तो उनके फ्रेंड है वो। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं के पहचान से क्या है, उनको प्रणव भैया को ऐसी एक लड़की चाहिए थी, एक सिंपल सी, जैसे कि जो मेरा किरदार था बी ए सेकेंड ईयर में, तो सेम वैसी लड़की चाहिए थी। तो उन्होंने क्या है मेरे पास में बोले कि तुम ये रोल, ये कैरेक्टर तुम करोगी क्या, मूवी में काम करोगी क्या? तो मैं पहले तो सोचने लगी बहुत, और बाद में फिर मम्मी से, भाई से पूछने लगी कैसे क्या, फिर धीरे धीरे एक साथ मैंने हाँ नहीं बोली। अच्छा, एक जी, साथ मतलब नहीं, जी हाँ। जी फिर क्या है, थोड़ा मतलब कंफ्यूज थी ना कि सही में मूवी बोले तो। फिर बाद में क्या है, धीरे से मैंने एक दो बार सोचने के बाद में फिर प्रणव सर और एक बार आए मेरे घर पूछने के लिए, फिर मैं हाँ बोली और वहीं से फिर शुरुआत हुई। तो प्रणव भैया क्या एक बार मतलब वही टेस्ट लेने के लिए किसी को भेजे, वही टेस्ट लिए कि कैसे तुम एक्टिंग कर सकती हो क्या, मतलब प्रैक्टिस, क्योंकि नॉर्मली ना मैं थिएटर करी हूँ ना कुछ, डायरेक्टली इंटरव्यू मेरा हुआ है। अच्छा। इंडस्ट्री में जी। तो बस उन्होंने प्रैक्टिस लिए मेरी, उसके बाद में फिर धीरे से स्क्रिप्ट वगैरह कैसे बोलना है क्या है उसके ऊपर मैं, मतलब मैं मेरे प्रैक्टिस कराए महीना भर, महीना डेढ़ महीना मैंने प्रैक्टिस करी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी बोलना, हर चीज़ को मतलब सीखना, किस टाइप से वर्ड्स को समझना, मतलब सब सीखते गई मैं। अच्छा। उसके बाद में फिर वही मूवी के लिए डायरेक्ट। अच्छा। हमारी शूटिंग चालू हुई। तो जैसे जिन ढंग ले आप मन बताता हो कि किस तरह से आप मन के ये छत्तीसगढ़ी फिल्म ला आप मन शुरुआत करे हो जी, तो ये भी एक दिमाग में सवाल ये आते कि छत्तीसगढ़ी फिल्म करत हो आप मन, जबकि महाराष्ट्र आप मन के बैकग्राउंड है जी, तो कुछ आप मन ला दिक्कत नहीं गई सर? नहीं नहीं, दिक्कत कोई इच्छा नहीं गई, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मैं छत्तीसगढ़ी नहीं जानती थी, मतलब जानती थी, मुझे इंटरेस्टिंग था, पता भी था कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी मूवी बनता है, सब चीज़, लेकिन मुझे जब मैं यहाँ पे एंट्री करी तब मुझे दिक्कत, कैसे भाषा के लिए दिक्कत गया। अच्छा। जब मैं बोल नहीं पाती थी ना, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जो है तो ऐसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो दिक्कत गया, लेकिन मैं सीख गई। प्रणव भैया मेरे को हर चीज़ में मदद किए, सिखाने में, प्रैक्टिस करने में, मतलब उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने जितना मेहनत किए मैंने भी उतना मेहनत करी, मतलब दोनों का मेहनत ये सेकेंड ईयर में रंग लाया। नहीं बिल्कुल, मेहनत तो रंग लाए है और ये बात ले कोई इनकार नहीं कर सके, खबर कि वो पिक्चर में जो भी आप मन के कैरेक्टर रही से वो लोगन ला बिल्कुल भी कहीं से ये नहीं लगी से कि ये जो सोनाली सहारे है वो ला छत्तीसगढ़ी नहीं आए जी। नहीं, बिल्कुल आप मन छत्तीसगढ़ी ला बहुत अच्छा ढंग ले बोले भी हो, और ना सिर्फ बोले हो उला एकदम वो फीलिंग के साथ, वो भाव के साथ उला प्रस्तुत भी कर रहा हो, यही कारण है कि लोगन वो फिल्म के साथ बहुत ज्यादा अपन आपला कनेक्ट कर पाई से, जुड़ पाई से। मैं तो यहाँ तक भी देखे हूँ कि वो पिक्चर के आए के बाद लोगन उमा के जो कुछ कुछ जो सीन रहे से ओला अपन मोबाइल में स्टेटस के रूप में भी रखना शुरू करी से, है ना, उमा हालांकि महू रहे तो ये रही से जी।
तो लोगन ये भी जानना चाहते कि आप मन शुरुआत करे हो छत्तीसगढ़ी पिक्चर के, तो जब आए हो ये फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप मन के घर वाला मन के कतका सपोर्ट रहे से? बहुत सपोर्ट रहे से, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मोर भाई के रहे से, कावर के हर चीज़ में, मतलब कैसे करना है, नहीं तुम ऐसे करोगी, अच्छा इस एक्ट को तुम ऐसे करोगी, फिर मैं अपने एक्ट को करके मैं दिखाती थी उसको कैसे करना है करके, हाँ फिर अच्छा चलो ठीक है ये ओके है ऐसे बोलता था मेरा भाई अच्छा। जी तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मोर भाई के रही से। तो अगर आप मन के शुरुआती जो पिक्चर के बात करिए, बीएस सेकंड ईयर से आप मन के करियर के शुरुआत हुई से, और ऐसे शुरुआत हुई से कि वो पिक्चर के बाद लगभग छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं हुई जो आप मन ला नहीं जाना था, ओखर बाद एक खास पहचान आप मन ला मिली से। और जैसे अपन अभी थोड़ा देर पहले ही बताया हो कि जब आप मन के सिलेक्शन होते रहे से, तो उस समय एक ऐसे लड़की के तलाश रहे से जो सिंपल रहे, है ना, गांव के एक लुक रहे वो घर, तो आप मन असल जीवन में भी ऐसे आपके व्यक्तित्व है या फिर कुछ चुलबुला किस्म के आप मन के है? नहीं, मैं सिंपल ही हूँ। अच्छा जी, मतलब जैसे वो पिक्चर में दिखाए गए हैं वैसे असल जीवन में भी? असल जीवन में भी सिंपल ही हूँ मैं, मुझे ज़्यादा मतलब नटखट अपन ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं सिंपल ही हूँ। हाँ अच्छा। बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ लेकिन अच्छा अच्छा जी हाँ बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ लेकिन सिंपल कैरेक्टर, मतलब सिंपल कैरेक्टर मुझे फर्स्ट टाइम मिला और मैं मतलब जैसे हूँ वही कैरेक्टर निभाने के लिए मुझे बहुत अच्छा मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा जी। एक बात जो मोर दिमाग में आते कि चलो ठीक है कि छत्तीसगढ़ी जो स्क्रिप्ट आप मन दिए है वो कैसनों करके आप मन रट लिया और बोल दिया जी। लेकिन वो भाव कौन तरह से आते रहे से, कैसे वो फीलिंग आप मन ले आ पात रहा हो वहाँ? फीलिंग स्टार्टिंग में क्या है, मुझे छत्तीसगढ़ी उतना नहीं समझ पाता, समझता था लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि जो मैं समझ नहीं पाती थी, तो मैं प्रणव भैया से पूछती कि प्रणव भैया इसका वर्ड मतलब ये इसका मीनिंग क्या है आप बताइए, तो प्रणव भैया उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे हिंदी में और मैं उस चीज़ को समझ लेती थी हिंदी में, मतलब जब समझाते थे मुझे तो मैं समझ लेती थी, और समझने के बाद मैं फिर उसको छत्तीसगढ़ी में बोलो और छत्तीसगढ़ में, अब पहले भाव तो समझ गई, फिर उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हुए उस भाव को प्रदर्शित करना मेरे लिए सिंपल गया जी, और मैं आसानी से कर पाई ये एक्ट। अच्छा, कौन तरह के किरदार आप मन ला करना पसंद है, कौन तरह के फिल्म आप मन ला करना पसंद है? मैं चैलेंजिंग रोल ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। चैलेंजिंग मतलब कौन तरह के चैलेंजिंग रोल होगा? खलनायिका के रूप में भी अगर आप मन ला मौका मिली तो वो कर सकते जी जरूर, अगर ऐसा मिला तो मैं जरूर करूँगी। अच्छा जी, लेकिन क्या लगता है कि आप मन के चेहरा देख के कोई खलनायिका के रोल आप मन दे सकते जैसे कि उपासना वैष्णव लव मिलते जी हाँ, अगर डायरेक्टर को ऐसा लगे, किसी डायरेक्टर को अगर ऐसा लगे कि सोनाली खलनायक की टाइप का रोल अगर कर सकती है तो आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ जी। अच्छा, अगर बात करी बीए सेकंड ईयर के आप मन के जो शुरुआत रही से पिक्चर के, हालांकि ओकर बाद आप मन की फिल्म आऊ भी आई से, जैसे कि आई लव यू फिल्म आई से, ओकर बाद अनुपम भार्गव खना आप मन के पिक्चर ऐसे कि हमर फैमिली नंबर वन, तो वो फिल्म में आप मन के किरदार ला बहुत ज्यादा पसंद करे गई से जी। फिर जो प्रसिद्धि मिली से वो रही से बीए सेकंड ईयर जी, तो उमा की अगर बात करें बहुत सारा आप मन के डायलॉग है जैसे कि तैमोर जिंदगी मा जीवन भर के रिचार्ज करा सकत है तो मैं का 50 रुपए रिचार्ज नहीं करा सको, ओकर बाद आप मन एक मोबाइल दुकान में जाता तो मोबाइल दुकान में जाके वो लड़का कना बोलता कि रिचार्ज कर दे, फिर वो लड़का हाँ, फिर आप मन आवाज देते काखर भर तो जीजा भर, तो इस तरह के जो रही से उमा के डायलॉग बड़ा ही सिंपल रही से, स्वीट रही से, और लोगन अपन आपले उले जोड़ के देखत रहे से जी। अगर आप मन की बात करी तो फिल्म के कौन सा डायलॉग अपन ला सबसे ज्यादा पसंद थे, सबसे ज्यादा मन हमर दर्शक मन कना साझा करना चाहत हो? सबसे ज्यादा पसंद तो मुझे तय दारू पीथस का अच्छा। ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा वायरल यही डायलॉग हुआ था, सबसे ज्यादा वायरल जी। चला, तो दर्शक मन यू जानना चाहते कि जब असल जिंदगी में आप मन के ऐसा मोड़ आई तो क्या आप मन ये सवाल कर रहा? बिल्कुल। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँ कि मेरा कोई पार्टनर है और वो मतलब दारू वारू कुछ पिए ऐसा जी। ठीक, तो आप मन यू हमारे जो दर्शक हवे जो देखा थे
चूंकि आप मन ला सुने जाते, आप मन ला लोग फॉलो भी करते, तो आज के ये इंटरव्यू के माध्यम से हमारे दर्शक मन ला भी थोड़ा सा ये संदेश दे दो कि दारू पीना सेहत के लिए बहुत बुरा होते है, नहीं पीना चाहिए, आप मन के बोले ने ज्यादा असर हो। जी हाँ, मैं सोनाली शाहरे और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग दारू को बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि दारू एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत बुरा बना देती है और लोगों के सामने मतलब अपनी इज्जत कराती है, सबसे बड़ी बात। जी, और यही देखे जाते कि ओखर वजह से घर टूट जाते हैं और फिर वो तो सिर्फ एक शुरुआत होते हैं, उसके बाद फिर पतन होना शुरू हो जाता है। जी जी, सही बात है। नाम भी जाते, इज्जत भी जाते, सब परिवार से हाथ धोना पड़ते, तो ये बिल्कुल बुरी चीज है। ये जी सही बात है। तो संगवारी हो, सोनाली सहारे जी का नाम हमारे गोल्ड बात अभी जारी रही, फिर बेरा हो गए छोटे से ब्रेक लेके, आप मन बने रहो हमारे संग, देखत रहो हमर पहुना। एक बार फिर से स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम हमर पहुना मा, और हमर पहुना के आज के हमारे कार्यक्रम मा हमारे बीच मौजूद है सोनाली सहारे जी। सोनाली सहारे जिला कोनो परिचय के जरूरत नहीं है, उखर का हमन गोड बात करत हन। सोनाली जी, आप मन बीए सेकंड ईयर मा मन कुरैशी कना काम करे हो, उखर बाद अगर हमर फैमिली नंबर वन की अगर बात करी तो अनुपम भार्गव जी कना आप मन काम करके देख चुके हो, और आप मन करण खान का ना भी फिल्म करत हो, तो तीनों जो हवे छत्तीसगढ़ी फिल्म की अगर बात करी तो एक बड़े चेहरा है, एक बड़े नाम है, तो तीनों का ना काम करेगी कैसे अनुभव रही से आप मन के? बहुत अच्छा अनुभव रही से, शुरू से शुरुआत कर, मन कुरैशी का ना कैसे अनुभव रही से? सबसे पहले तो मन कुरैशी जी के साथ में काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो पहली बार था कि मेरा मतलब काम करना, तो बहुत मतलब एक झिझक सी रहती है ना मन में, वो तो है। तो, हाँ जी, तो वैसा था ही मेरे मन में सबसे पहली, और शायद मुझे डायलॉग याद है, एक सीन ऐसा याद है कि जहाँ पे मेरा दुपट्टा फंस जाता है। हाँ, वो साइकिल वाला, साइकिल वाला। अच्छा। और उसमें जाते हुए हम लोग मंदिर में हम लोग रुकते हैं मंदिर में, तो वहाँ पे मैं प्रसाद लेके आती हूँ और प्रसाद मैं देना चाहती हूँ उनको, तो वो मेरा पहला उनके साथ में सीन था। वही पहला सीन था मेरा, तो जब मैं प्रसाद दे रही हूँ तो मैं उनके आंखों में आंखें नहीं मिला सकती थी। अच्छा, कितना टेक हो इसे? नहीं, टेक तो मतलब सेकंड दो बार, मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, पहला आपकी पिक्चर और सीधा एक ही टेक में पूरा काम। हाँ, एक टेक मतलब ज्यादा रिटेक नहीं ली फिर भी मैंने। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो हो रहा था। हाँ, हाँ। जी, लेकिन ज्यादा रिटेक नहीं ली थी, और उस टाइम क्या हुआ मतलब उनसे आंखें मिलाना फर्स्ट टाइम था मेरा, तो अदर पर्सन थे वो मेरे लिए। जी, और नॉर्मली जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे बात नहीं कर पाती थी मैं, बहुत मतलब झिझक सी थी, डर सा था मन में, आगे वाले पर्सन है क्या सोचेंगे, मैं उनको प्यार से देख भी नहीं पाती थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। तो जैसे प्रसाद दे रही थी तो आँखों में आँखें मिला के प्यार से देख के उनको प्रसाद देना था मुझे, तो मैं देख मतलब देख नहीं पाती थी, तो डायरेक्ट फिर मैंने प्रणव भैया को बोली, प्रणव भैया एक्सप्रेशन नहीं आ रहे मेरे, तो प्लीज़ आप क्या, तो प्रणव भैया डायरेक्ट बोले मन तुम अपनी आंखें बंद कर लो। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर मैंने अपने एक्सप्रेशन दी थी। अच्छा जी,
मतलब ये कुछ खास किस्सा है, खास किस्सा ये रह गए जो बहुत जन दर्शक मन जानत नहीं होही कि कुछ ऐसा भी कुछ होए रहे सो सेट में। आगु बढ़बो ओखर बाद फिर आप मन अनुपम भार्गव जी का ना हमर फैमिली नंबर वन में काम करे हो, उखर का ना काम करे का एक्सपीरियंस रहे से, उखर काम करे का तरीका कुछ अलग है या फिर वैसने है? नहीं, उनका काम करने का तरीका अलग है क्योंकि वो खुद ही डायरेक्शन भी करते थे एज अ हीरो भी और डायरेक्टर भी, तो उनका अनुभव थोड़ा अलग था मेरे लिए। बहुत फास्टली काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं वो। हाँ, और वहाँ पे जैसे हमारे देखा जाए अदर आर्टिस्ट रजनीश झांझी सर, वो मेरे साथ में मतलब बीए सेकेंड ईयर में भी काम कर रहे हैं, तो उन वो और मैंडी दीदी जो है मंदिरा नायक, अच्छा। जी और बाकी अदर आर्टिस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब रजनीश सर का काम जो मेरे पिताजी का कैरेक्टर किए थे बीए सेकेंड ईयर में, बहुत अच्छा, बहुत मतलब मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। जी, और हर टाइम मतलब वो सपोर्ट में रहते थे कि सोनाली ये सोनाली वो हर चीज़ में। जी, तो सभी का सपोर्ट था। और वैसे ही हमारे फैमिली नंबर वन में भी वो मेरे चाचा मतलब चाचा ससुर बोलेंगे क्या ऐसे थोड़ा सा मऊ है, बात में कमजोर हूं जी, तो चाचा ससुर करके उस रोल में थे कैरेक्टर में। अच्छा जी, तो वो वहाँ पे भी थे मेरे साथ में। एकर बाद आपमन करण खान का ना भी फिल्म करे हो, तो करण खान जी का ना फिल्म करे के कैसा अनुभव रहे से? करण खान जी के साथ में ससुराल मूवी की मैंने अभी अभी रिलीज होने वाला है अभी अगस्त में। अच्छा जी, तो उनके साथ में भी काम करना मेरे लिए यादगार था। यादगार बोले तो हर चीज, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और मतलब छत्तीसगढ़ी में जोरदार पकड़। जी जी जी, सुपरस्टार वो मतलब बहुत पहले से काम कर चुके सीनियर आर्टिस्ट है मेरे, और हर चीज़ मतलब सीखने के लिए मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जी, उनके साथ में एक मेरा यादगार पल एक सीन है जहाँ पे मतलब हमारा क्लाइमेक्स चल रहा था और वहाँ पे मतलब उस सीन में मुझे रोने वाला कैरेक्टर था वो, मतलब अच्छा, सीन था और उसमें मैं रो रही हूँ, तो हल्का सा ब्रेक हुआ था उसमें और मैं जा रही हूँ सामने। अच्छा। उसके बाद मैं डायरेक्ट बोले कि ठीक है मैम, आप सीन को करेंगे ये ऐसे करके, तो करण खान जी खड़े हो रहे हैं, मैं इधर से जा रही हूँ उनके साथ, मतलब जाके मेरे को उनको हक करके रोना है, ऐसा वाला सीन था। जी, तो मतलब मैं बोली कि प्लीज़ थोड़ा सा रुकिएगा, एक्चुअली मुझे रोने वाला फील नहीं आ रहा था, थोड़ा मतलब ब्रेक हो गया था इसी चलते रोने वाला फील नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा। तो करण खान जी बोले मैम प्लीज़ ये ऐसा ब्रेक नहीं करना चाहिए आपको। तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक, मतलब वो मुझे कोई अगर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है अगर कोई मुझे डांट दे तो मुझे रोना आ जाता है जी हाँ। तो एक्चुअली करण जी मेरे को बहुत ज़ोर से बोले मैम प्लीज़ ये आपने अभी तक पॉज था तो टाइम लिए ना, तो अभी नहीं प्लीज़ ऐसा करके। तो मैं एकदम मतलब थोड़ा सा मुझे वो हो गया, मैं हार्ट टाइप की हो गई और मुझे रोना आ गया। अच्छा। जी, और फिर उस दिन को हम लोग सही में रो ली मैंने हाँ। जी मतलब चलो ओखर बहाना सीन हाँ अच्छा हो गया जी, तो चल ही फिर है ना जी। चला तो बात करता हूँ छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ में आपन ला यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ के संगीत अलग है, तो कैसा लगे सा आपन ला यहाँ? बहुत अच्छा, मुझे यहाँ के लोग से लेकर के मुझे संगीत मतलब पहनावा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा तो मुझे छत्तीसगढ़ी पहनावा मतलब जो कर्मा डांस होता है ना, उसमें जो पहनते हैं, मतलब अब सारे ज्वेलर्स को क्या क्या बोलते हैं ये मुझे अलग पता अलग नहीं नाम है। खिलवा, जी जी, बेसर, बुलाक, जी जी, इस तरह के अलग अलग छत्तीसगढ़ी पहनावा के नाम है, आभूषण के नाम है। जी जी, तो सभी पहनावा के नाम तो मुला नहीं है बट मुला इतना पसंद है कि बहुत ज्यादा। तो आपन पहन के देखे हो का? हाँ, कभी ऐसे मौका लगे है कि आपन छत्तीसगढ़ी जो आभूषण है वाला पहने हो? मतलब नॉर्मली जीवन में तो नहीं पहने हो बट ससुराल फिल्म में मोर मतलब एक कर्मा सॉन्ग है तो वो मैं पहने रहे हूँ, बहुत अच्छा लगी मोला और इतना सारा फोटो खींचे रहे मैं अपन बहुत खुशी के मारे बहुत सारा। जी,
मतलब ये मौका मिले से कि वो फिल्म अपन पूरा जो छत्तीसगढ़ी जी जी पूरा पूरा जो ट्रेडिशनल ओखर जो कल्चर ला दिखाते ओला पहने के अपन ला मौका मिले से। इसे लगते कि जिसे आप जिसे कलाकार मन अगर छत्तीसगढ़ी आभूषण जब पहने तो बिल्कुल वो जो संस्कृति है वह उभर के सामने आई और लोगन भी बिल्कुल ओखर प्रति आकर्षित हो। कबर धीरे धीरे कहा होते कि वो सब नंदाज जाते सिर्फ गांव में भी अब हमन ला देखे ला मिलते बाकी ऐसे आम रहन सहन में वह लुप्त हो जाते। तो जिसे आप जिसे कलाकार मन अगर ओला पहना तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो अच्छा रही छत्तीसगढ़ी कलाकार के दृष्टि से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ी कलाकार मतलब देख के ही जो जो हमारे समाज के लोगन हैं वो मन ओला फॉलो करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो ही। आगू बढ़तन त आप मन की अगर बात करें तो सिर्फ आप मतलब एक्टिंग बस में रुचि है या फिर गाय वाय के भी आप मतलब कुछ शौक है? गाय वाय के भी शौक है एक्चुअली घर में बस ऐसे गुनगुना था मैं ज़्यादा गाना वाना नहीं गा। कौन तरह के गाना आप मतलब पसंद है, डीजे वाला या एकदम? नहीं नहीं नॉर्मली डीजे जी ज्यादा पसंद नहीं है। पसंद है वैसे तो आजकल के कल्चर के हिसाब से मैं सुनता हूं समय समय के बाद में जी। शादी ब्याह के मौका है तो डीजे वाला भी चल रही बाकी ऐसे सुनना है तो कौन तरह के गाना आप मन सुनना ज्यादा पसंद करते हो? नॉर्मली रोमांटिक सॉन्ग जी। छत्तीसगढ़ी भी गाना सुनता हूँ मैं बहुत ज्यादा। अभी तो जब से मैं मतलब छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री से जुड़े हो तब से तो बहुत ज्यादा सुनता हूँ मैं। तो एक उठी गाना हो जाए फिर देखो ठीक गाना मैं जो गाना बहुत पसंद हुई आप मन के ही फिल्म के अगर कोई गाना जो आप मन गुनगुनाना चाहते हो सुनाना चाहते हो मतलब? अब रोमांटिक सॉन्ग बोला जाए तो लागे रे वो सॉन्ग तो बहुत चले हैं हाँ। और उसमें अगर सैड सॉन्ग जैसे है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ ऐसे टाइप वाला सॉन्ग जो है मतलब मेरा शादी जुड़ जाता है वैसे वाला तो एक सॉन्ग है मेरा बी ए सेकेंड ईयर का बेरा पहाती अंगना ममोरे चू चू करे चिड़ैया आज यहाँ हाँ कल चल जाऊँ जी हाँ रही मोर सैया मोर सैया मोर सैया। वाह क्या बात है मतलब एक कलाकार के रूप में आप मन बिल्कुल मंझे हुए हो ना सिर्फ एक्टिंग के जरिए आप मन अपन छाप छोड़ा था बल्कि आज तो न्यूज़ 36 के ये जो स्टूडियो है वहाँ आप मन के एक और रूप देखे ला मिले कि आप मन अच्छा गा भी सका था तो जो हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म के जो संगीत वाले भैया मन है तिखर का नंबर अनुरोध है कि आप मन बिल्कुल एक बार सोच सकत हो सोनाली सहारे जी के बारे में। चलो तो संगवारी हो अभी बिरह हो गए फिर से छोटे से ब्रेक लेके हमन फिर से ब्रेक के बाद वापस आबो और सोनाली जी का नाम गोड बात चालू रही तो आप मन देखत रहो हमर पहुना। एक बार फिर से स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम हमर पहुनामा और हमर पहुनामा आज हमन गोड बात करत हन सोनाली सहारे जी का नाम। सोनाली फिर से आप मन के स्वागत है ब्रेक के बाद तो आप मन से ये पूछना चाहत हन कि आप मन बीए सेकंड ईयर में प्रणव झा के निर्देशन में काम करे हो उखर बाद फिर उत्तम तिवारी का ना आई लव यू में आप मन काम कर चुके हो और उखर बाद फिर अनुपम भार्गव का ना हमर फैमिली नंबर वन ये तीनों निर्देशक का ना अपन बात काम कर चुके हो उधर बात ला पूरी तरह से समझ चुके हो कि कौन ढंग ले उमन काम करते काखर निर्देशन में आपन ला ज़्यादा तकलीफ गई या मैं ये कहूँ ये सवाल भी पूछना थोड़ा सा अजीब हो जाए जितना भी ये जो तीनों डायरेक्टर हवा उधर काम करे कि स्टाइल कतका अलग है एक दूसरे ले सबके स्टाइल क्या है अलग अलग रहते हैं तो काखर निर्देशन में आप मतलब ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगी से या कैसे
मेरे लिए तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बोले तो बीए सेकंड ईयर, क्योंकि कवर पहली पिक्चर रही थी मोर, और बहुत मतलब मोर बर भी और प्रणव भैया और भी मतलब वो चैलेंजिंग रही से कवर के, मैं महाराष्ट्रियन और मोर बर छत्तीसगढ़ी बोलना तो ये सब मतलब चैलेंजिंग था मेरे लिए। अच्छा। जी, लेकिन तीनों पिक्चर में जो आपके अभिनय हैं तिखर बहुत ज़्यादा तारीफ हो है और लोगन बहुत ज़्यादा ओला उखर सराहना करे हवा जी, तो आपन एक अभिनेत्री के रूप में तो अपन एक छाप छोड़ चुके हो छालीवुड में, लेकिन अगर आपन ला आगू चल के मौका मिल ही निर्देशन में तो का अपन निर्देशन में भी अपन हाथ आजमा हूँ या फिर अपन के अभी पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अभिनेत्री के रूप में ही काम करेंगे? अभी फिलहाल तो अभिनेत्री, मैं डायरेक्शन नहीं करना चाहती। अच्छा। जी, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और एक मतलब उसी चीज में मैं बढ़ना चाहती हूँ। अभी फिलहाल तो मेरा मतलब समझ जाइए पहली सीढ़ी में चढ़ चुकी हूँ, अब धीरे धीरे मैं पूरी सीढ़ी पार करना चाहती हूँ। अच्छा जी, मतलब अभी पूरा फोकस जो आप बन गए हैं वो एक अभिनेत्री के तौर पर ही काम करेंगे हैं। जी जी, तो अभी औ आघू आप मन के कौन कौन सा फिल्म आने वाला है हमारे दर्शक मतलब थोड़ा सा बताओ। मोर फिल्म अभी आघू अंगार आवत है, ससुराल आवत है। ससुराल में मोर अपोजिट में हवे करण खान जी, और अंगार में हवे सिंगर संतोष यादव जी। जी, अच्छा, तो ये जो आप मन के पिक्चर आने वाला है वो उखर बारे में थोड़ा दर्शक मतलब बताओ ताकि पहले से वो मन जान सके कि कौन किस्म की ये पिक्चर मतलब आघू चल के आप मन के देखे मिली है। अंगार में किस तरह के आप मन के किरदार? अंगार में मोर किरदार एकदम चुलबुला कैरेक्टर है मतलब बिल्कुल अलग, वो जो बीए सेकंड ईयर में हम मतलब देखे मिले रही बीए सेकंड ईयर में आप सिर्फ एक सिंपल लड़की को देखे हो। हाँ, ठीक है जी, और अंगार में एकदम चुलबुला कैरेक्टर मतलब एक चंचल टाइप की लड़की, इस टाइप का कैरेक्टर मतलब देखे ला मिली सभी जनता मतलब। तो कहे का मतलब ये है कि आपन अलग अलग तरह के किरदार निभा सको, तो जहाँ पर अगर जरूरत है एक सिंपल लड़की के तो सिंपल वाला, और जहाँ पर चुलबुला कैरेक्टर तो वहाँ पर चुलबुला वाला किरदार आपन निभा सकता था। तो ये तो बड़ा ही हम बात करें कि एकदम वर्सेटाइल एक्टर जिला बोले जाते हैं, है ना जी। और उससे भी थोड़ा अलग अगर देखा जाएगा तो एक ससुराल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ससुराल में कौन तरह के रोल आप मन के हैं, किस तरह के रोल है? ससुराल में एक बहू का कैरेक्टर मतलब करे हूँ मैं। हाँ हाँ, और वो बीए सेकंड ईयर से और चुलबुला कैरेक्टर से और मतलब सबसे अलग है वो कैरेक्टर। ससुराल में बहू के कैरेक्टर, वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है ससुराल यानी कि सास ससुर बहू। जी जी जी, पूरा कैरेक्टर। किस प्रकार के बहू है, अपन सास ला प्रताड़ित करे वाला या फिर ऊपर सेवा करे वाला? नहीं, प्रताड़ित भी नहीं करे हा और सेवा भी नहीं करे हा मैं। जी, बीच के है। बीच के मतलब वहाँ जाने के बाद में मतलब जो घर परिवार, एक्चुअली मैं हाँ उमा अपन घर में मैं एक अच्छे घर का घर की लड़की मतलब दिखाए हैं। अच्छा जी, मतलब रिच फैमिली जी, और जो मेरे शादी हो जाती है तो मैं एक मतलब गरीब फैमिली में मैं चली जाती हूँ, तो मुझे वहाँ का मतलब सब रहना ये वो सब चीज मुझे पसंद नहीं आता है एक्चुअल में। ऐसे जी, तो इसी चलते मैं उस घर में रह नहीं पाती हूँ, एकदम अजीब टाइप का, तो ये वो ऐसा वैसा बस। और बाकी तो फिर फिल्म में देखे ला मिली, देखे ला मिली सभी ला। पूरा बात अगर अभी हो जाए तो फिल्म में जाके आपन का देखो जी, ये वो सही बात है। लेकिन बात करिए वो फिल्म में आपन के संग छत्तीसगढ़ी सुपरस्टार करण खान हवे, तो करण खान की उमा किस तरह के रोल है? करण खान जी के रोल बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है बोला जाए तो, क्योंकि एक आदर्श पति के रूप में, आदर्श पति के रूप में, हालांकि जितना मैं वो मतलब हर्ट करता हूँ उतना ही वो मतलब प्यार करते हैं। ऐसे जी, और बहुत ज्यादा मैं ज्यादा बता नहीं सको काबर की मूवी अभी आए के है। तो आप मन ये बता दो कि ये जो आप मन की फिल्म है वो कौन सा डेट में रिलीज होता है? डेट एक्चुअल में डेट मतलब फाइनल नहीं हुए है, डेट अभी फाइनल जी, नहीं हुआ, लेकिन मंथ फाइनल हो गए है, अगस्त में आ जाए। हाँ, अच्छा जी, तो संगवारी हो सोनाली सहारे जी की फिल्म आत है ससुराल, बिल्कुल हमला ये पूरा विश्वास है कि जिसे आप मन पाछू के जो फिल्म हवे जितना भी
चाहे अगर हमन बात करी बीए सेकंड ईयर, चाहे हमन बात करी आई लव यू, चाहे हमन बात करी हमर फैमिली नंबर वन, तो जिस तरह से आप मन ये फिल्म ला अपन प्यार दिए हवा, वही तरह ले आगू आने वाला जो फिल्म है ससुराल ओहू ला प्यार दियो। तो सोनाली जी, आज के हमारे कार्यक्रम में आप मन आए हो, अपन समय निकाले हो, इतना सुघर गोड बात हमारे कना करे हो, ओकर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के भी धन्यवाद। तो जात जात हमारे जो दर्शक है उखर लिए आप मन के का संदेश है? संदेश मोर एक ही रही के मोर जो फिल्म आप मन इतना प्यार, और जैसे ही मैं महाराष्ट्र से यहाँ पे आए हूँ और मैं प्रॉपर मतलब प्रॉपर बस गए हो छत्तीसगढ़ में, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मोला पूरा पूरा छत्तीसगढ़ी मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो बस आप मन के प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखो, काबर के जितना प्यार आप मन दिए हो तो वही प्यार के वजह से मैं हाँ आज यहाँ पे बैठे हो। तो बस सभी जनता जनार्दन आप मन के धन्यवाद हो, आप मन के आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखो, ताकि आगे और आने वाला फिल्म मैं आप मन पर बहुत अच्छा अच्छा फिल्म में ला सकूँ और आप मन के प्यार में पा सको। अब आप मन ला मैं छत्तीसगढ़ के जनता की तरफ से ये बिल्कुल ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है कि जहाँ बहुत प्रेम से सब ला स्वीकार करे जाते, बिल्कुल भी यहाँ कोई ऐसे वाला बात नहीं है कि ये है वहाँ के तो ओला कुछ ऐसे वाला दृष्टि से देखे जाए, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये देखे हूं, और ख्याल से आपको मन के ऐसे अनुभव नहीं रहे होंगे कि आप मन वहाँ ले आए हो तो कोई आप मन ला कोई दूसरी दृष्टि से देखा? कभी नहीं, बहुत प्यार से, बहुत मिलजुल के, और कभी मुझे ये अनुभव मतलब नहीं हुआ, कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मैं कोई बाहर से हूँ या फिर कोई अलग है। मतलब एक हर मूवी में, हर मतलब जितना मूवी में करे हा, सब लोग मतलब मेरे साथ में इतना अच्छे से रहे कि एक फैमिली की तरह। अब बस फैमिली समझ के ही मैं काम करे हा। जी, कवर हमारे छत्तीसगढ़ में कला के सम्मान होते संगवारी हो, हमारे यहाँ रंग भाषा जाति ये सब देख के काम नहीं करे जाए। तो हमारे संग्रही से सोनाली शहारे जी आज उखर कना गोड बात करे हैं। आज के हमारे कार्यक्रम आप मन ला कैसे लगी से ओला बिल्कुल आप मन हमला बताओ। हमारे यूट्यूब में जो चैनल हवे न्यूज 36 लाइव ओला सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ला दबाओ। हमारे फेसबुक में जो पेज हवे न्यूज 36 लाइव वो पेज ला लाइक कर लो, संगे संग ट्विटर में भी हमन ला अपन फॉलो कर सकत हो, अपन विचार जो है ओला साझा कर सकत हो। तो आज के हमारे कार्यक्रम हमारे पहुना में आज भर अतकेज मोला दो विदा। जय जोहार। जय जोहार।